ये यार ये ना ये दुनिया मुझे बहुत सालों से वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और एनिमे की दुनिया बहुत, एनिमे एक्चुअली जापानीज वर्ड है एनिमेशन का, तो सारे जो वहां से ये एनिमेशन निकल के आता है। और पहले तो ये आज आज भी एक्चुअली ज्यादातर 90% ये हैंड ड्रॉन होते हैं, तो और इसकी अपनी एक ऑडियंस है, और इंडिया में बल्कि इसकी और भी बड़ी ऑडियंस है। सो आई गॉट वेरी लकी कि गॉट अ चांस टू वर्क ऑन सोलो लेवलिंग, और उसमें एक कैरेक्टर का मैंने हिंदी डब किया है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह चाह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री से मेरा मेरा रिश्ता जुड़े, और होपफुली फ्यूचर में और चीजें हम क्रिएट करें। हम एज अ हमारी प्रोडक्शन से हम इनफैक्ट एनिमेशन पे काम करें, तो मेरे लिए और भी एक्साइटिंग दुनिया है टू बी एबल टू एक्सप्लोर दिस साइड। और थोड़ा टफ था क्योंकि, और वो हर डब में होता है जो आप जो ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं होता है। तो आप बस ट्राई कर सकते हैं कि आप उस लेवल तक पहुंच पाए जिस लेवल पे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में परफॉर्मेंसेस भी। और एनिमे का ये यूं भी एक्चुअली एनिमे में खासियत ये है कि उसकी ड्राइंग्स पहले बनती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आवाज बाद में उस पे लगती है। तो इन अ सेंस देखा जाए तो हर लैंग्वेज में वो एक तरीके से ओरिजिनली है। उसमें बड़ा मजा आया मुझे। थोड़ी सी प्रेप करनी पड़ी क्योंकि पूरा उसकी स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हर डबिंग में होती है। एक्चुअली मुश्किल थोड़ा सा था क्योंकि कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग था, थोड़ा ओल्डर कैरेक्टर है, तो हमें उसकी वॉइस थोड़ी मुझे बदलनी पड़ी। टेक्सचर वॉइस का बहुत इम्पोर्टेंट था, आपको सारे दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइसेस को भी सुनना है और उसके हिसाब से एक यूनिक वॉइस अपनी वहाँ देनी है। और सारे लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग काम किया, तो या आई मीन वो एक आफ्टर अ पॉइंट बड़ा एक उसकी अलग गणित चल रही थी कि हाँ इधर मैच करो, फिर हम उसी के हिसाब से डायलॉग्स छोटे बड़े कर रहे थे। बड़ा नया एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे पहली दफा लगा कि यार मैं बहुत कम आता है, बट हाँ इट वाज फन। या इसलिए मुझे उसका पूरा पढ़ना पड़ा, उसका चिट्ठा पढ़ना पड़ा, उसका बैक स्टोरी पढ़ना पड़ा, कहाँ से क्यों ये बोल रहा है, क्या कर रहा है। वरना वैसे भी होता है कि आप भाई स्टूडियो आइए, कुछ पता पता है नहीं, आप रिकॉर्ड करके चले जाओ तो कुछ एवरेज निकल के आ जाएगा। लेकिन इधर हमने थोड़ा सा और इसमें एफर्ट लगाया और मुझे लगा इसका नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है। और एनिमे में ये खासियत है कि एक फ्लैट कार्टून्स नहीं है ना, इनमें एक इमोशनल जिसको बोलते हैं एक ट्रेजेक्ट्री है, एक रेजोनेट करता है। तो वो नैरेटिव बहुत जरूरी है कि हर कैरेक्टर का एक ग्राफ रहे शुरू से एंड तक। तो अभी भी इनफैक्ट हमारा थोड़ा काम रह गया। सो या